इस टॉपिक के अंदर हम चेक करते हैं कि किस तरह हम ग्रेडियंट कमांड को इस्तेमाल करते हैं बट इसको रन करने से पहले हम थोड़ी सी उसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इससे पहले हमने हैच कमांड का इस्तेमाल किया ग्रेडियंट नॉर्मली हम कलर्स जब सॉलिड फेल कर रहे होते हैं अगर आपने नोट किया हैच के अंदर हमने देखा ब्रिक्स हैं या हमारी लाइंस लगी हुई हैं उनके दरमियान डिस्टेंस भी नज़र आ रहा था हमें ब्रिक्स के डिफरेंट पैटर्न्स हमें नज़र आ रहे थे बट अब जो हम कमांड है ग्रेडियट यूज़ करने जा रहे हैं ये फुल सॉलिड फेल कलर्स होंगे और अक्सर हम नक्शों के अंदर जो हम बहुत यूज नॉर्मली देख रहे होते हैं किसी भी तरह का हम मैप्स देखते हैं तो मैप के अंदर अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कलर्स दिए हो, हो, होते हैं कलर्स के साथ नीचे लिखा भी होता है जैसा हमने देखा टेबल हम बनाते हैं तो टेबल में मिसाल लिखा होता है कि ये वाला नीला रंग जो है ये सब्ज़ रंग जो है ये पार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है नीला रंग जो है यहाँ से पानी गुजर रहा है कुछ भी हो सकता है अब हम ग्रेडियंट को इस्तेमाल करके देखते हैं हाउसिंग स्कीम्स जब हम बनाते हैं मुख्तु किस्म की तो वहाँ पर अक्सर हम बताते हैं कि जो ये जो रेजिडेंशल जहाँ लोग रह रहे हैं उन घरों के रंग इस तरह का है मस्जिद का रंग इस तरह का है कब्रस्तान अगर कहीं पर है तो वो इस तरह शोर है तो अब हम अपने इस्तेमाल करके देखते हैं बढ़ते हैं कैड की तरफ कि इस ग्रेडियंट कमांड को हम कैड के अंदर किस तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग जिसके अंदर हम वर्क कर रहे थे और हमने एक ऑब्जेक्ट जिसका कलर भी आखिर में हैच किया था अब इसको भी हम साथ रखते हैं पैरेलल ताकि हमें कुछ फ़र्क भी नज़र आ जाए हैच और ग्रेडियंट का और डिफरेंसरा और बेटर क्लियर हो जाएगा अब हम आ रहे हैं ग्रेडियंट कमांड की तरफ तो ग्रेडियंट कमांड परपज़ हमने देख लिया मकसद हमने इसका देख लिया दो तीन ऑप्शन यहाँ पर भी हमारे पास सेम मौजूद हैं ये हमारे पास यहाँ से भी ऑप्शन मौजूद है और सेम मैनर में हम यहाँ से भी जाके पिक करेंगे और फिर हम शॉर्ट की भी इसके इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेडियंट कमांड ये हमने जैसे ही ग्रेडियंट कमांड पे क्लिक की ये हैच के साथ ही इसकी ऑप्शन मौजूद है अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हैं ग्रेडियंट के अंदर हम उनको वन बाई वन सबसे पहले हमने बात की कि ग्रेडियंट हमेशा सॉलिड फिल करता है कलर्स की हम बात करते हैं ग्रेडियंट हैच के अंदर हम पैटर्नस की बात करते हैं कलर्स की बात नहीं करते यहाँ पे हम कलर्स की बात कर रहे होते हैं अब यहाँ पे वन कलर की भी ऑप्शन है टू कलर की भी ऑप्शन है बाजू अकात हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाना चाहते हैं जिसमें दो कलर नजर आ रहे हो एक थोड़ा सा लाइट हो और एक थोड़ा सा डार्क हो चाहे किसी भी तरह का हो लेकिन फर्ज करें हम फिलहाल वन कलर की तरफ भी जा सकते हैं और वन कलर को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं डिपेंड करता है हमारे पर्पज़ के ऊपर कि हम क्या किस तरह करना चाह रहे हैं और फिर हमारे पास टू कलर की ऑप्शन भी मौजूद होगी जिसमें हम दूसरा कलर भी साथ बहरहल ये हमारे पास एक ऑप्शन है Uh, अभी centered, हम ओरिएंटेशन सेंटर्ड एंगल हम चेंज नहीं कर रहे और हमने जाके ऐड जो है पिक पॉइंट और एंटर कर दिया तो ये हमारे पास ये अगर आप नोट करें तो अब ये लाइंस हैं जो हमने सिंपल लगाई हुई हैं हैच की हुई हैं बट इधर अगर आए तो ये लाइंस नहीं है ये हमारा सॉलिड फिल है जिसके अंदर एक एक रंग हमारा जो है एक कलर जो है वो लगा हुआ है तो ये तो हमारा हो गया बुनियादी फर्क हैच और ग्रेडियंट कमांड का इस वजह से हैच हम ज्यादातर ग्रेडियंट वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट को फिल करने की ज़रूरत होती है तो ये हमारे पास इस तरह हम आ, किसी भी ऑब्जेक्ट को एच ई एंटर इसको हैच एडिट सो तो हमने वन कलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा कर लिया है अब हम टू कलर को भी ऑपरेट करके देख लेते हैं यहाँ से हम कोई एक क्विकली एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं जिसके अंदर हम जहाँ पे एच एच ग्रेडियंट का भी आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं या आप हैच क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास एच एंटर शॉर्ट की है यहाँ से हम ग्रेडियंट में जाके टू कलर भी कर लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि दोनों कलर्स को हम यहाँ पे सेम रख लें ताकि हम कलर और दोनों कलर को सेम करते हैं तो ये हमारे पास सेम मैनर और एड पिक पॉइंट्स और हम इसको यहाँ पर ड्रा करते हैं तो इस तरह हम आ, वन या टू कलर के अंदर ग्रेडियंट को इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहाँ पे जो दो बेसिक हमारी चीज़ें हैं जिनको हम क्विकली क्लियर करें और फिर हम इस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं मैं अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ क्योंकि जब भी हम ग्रेडियंट कमांड यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली हम सीरीज़ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे जो है वो ड्रा कर देते हैं एक और रेक्टेंगल भी हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं अब यहाँ पे जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका कोई कॉर्नर फाइंड करने की बट वो मुझे स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो इट मीनस हमारी जो है वो ओ स्नैप और स्नैप की सेटिंग्स हमने ऑलरेडी जिस तरह कहा हुआ ये आपने भी अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए और बात एक अच्छा है हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने स्क्रीन पर आ रही हैं जो कि आपको भी आएंगी एज़ इट इज़ अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका एक कॉर्नर जो है वो इसका किसी कॉर्नर से मिल जाए तो यहाँ ऑप्शन नहीं आ रही सो so, हम लेट्स वॉच एंड सी दी स्नैप सेटिंग्स तो यहाँ पे जाके हम ऑब्जेक्ट स्नैप में ये हमारे सेटिंग्स ऑफ हो चुकी थी इसको हम ऑन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की तो अब जो है अगर आप नोट करें तो अब हमें जो है वो सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो अब हम यहाँ पे एक नई रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लेते हैं तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ये हमारे पास दो जो है वो बॉक्सेस आप कह लें या दो रेक्टेंगल्स कह लें एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है कमांड हम लगाने जा रहे हैं ग्रेडियंट की और दो चीज़ें हमें है हैच में भी हमने इनको एज इट इज नोट करना है और ग्रेडियंट में तो हमने इनको कैटेगोरिकली सो तो हम एच एंटर से ही इस कमांड को ऑपरेट कर लेते हैं हमारे लिए बेटर होगा अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ये तो मैंने अभी पिक पॉइंट कर लूँगा ग्रेडियंट में आ जाते हैं हम पिक पॉइंट करेंगे तो पिक हो जाएंगे और हम अप्लाई करेंगे तो ग्रीन कलर अप्लाई हो जाएगा बट यहाँ पर अगर नीचे आए तो अभी मेरे पास एक ऑप्शन है क्रिएट सेपरेट हैचेज़ और अभी ये एसोसिएटिव अभी अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हम एंटर कर देते हैं और हमारे पास अगर आप नोट करें तो दोनों जो रेक्टेंगल uh, हैं दो बॉक्सेज हैं इन दोनों बॉक्सेज में कलर ग्रीन कलर जो है वो लग गए अब मैं अगर फ़र्ज करें अभी तो हमारे पास जस्ट दो हैं अगर अगर आपके पास कोई 40, 50, 100, 200 जब आप एक हाउसिंग स्कीम में अक्सर हम काम कर रहे होते हैं या बस ऐसा को कोई प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपने 30, 40 हैचेस करनी है तो अब अगर आपने आपको कहा जाए कि ये वाली जो हैच है इसके अंदर आपने कोई माइनर चेंज करनी है तो अगर आपने ये ऑप्शन जो भी हमने पिक किया हुआ है इस ऑप्शन को एज इट इज़ रहने दिया तो फिर आप एक के अंदर एडिट नहीं कर सकते आपको पहले सारे डिलीट करने पड़ेंगे और फिर दोबारा सब के अंदर कलेक्टिव तब्दीली करनी पड़ेगी यहां हमारे पास ऑप्शन है एच ई हम जब हैच एडिट करके ग्रेडियंट में तो यहां ऑप्शन है क्रिएट सेपरेट हैचे अगर हम सेपरेट हैचेस कर लेंगे तो अब आप फर्क देखिएगा अब मैं जब क्लिक करके वापस आता हूं तो अब ये हैच डिफरेंट है ये हैच डिफरेंट है जबकि कंट्रोल जी अगर करते हैं हम तो इससे पहले ये दोनों हैच जो जब हम वर्क कर रहे थे तो ये हमारे पास दोनों हैच सेम थे लाइक ये हम अब वापस आएँ तो अगर आप अब देखें मैं डिलीट करता हूँ तो ये दोनों हैच डिलीट हो जाते हैं और अगर हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं ये हमारे पास कलेक्टिव थे तो इस तरह जब हम क्रिएट सेपरेट हैचेज़ पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारा हर बॉक्स जो है वो एक डिफरेंट कलर के अंदर डिफरेंट पैटर्न के अंदर होता है जिस तरह हमने क्या किया यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और एच ई हैच एडिट तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन हैं एसोसिएटिव या सेपरेट हैचेस हमने सेपरेट हैच को क्लिक किया तो अब हमारे पास जो है ये एक सेपरेट हैच है और ये एक सेपरेट है इसी के साथ एक और जो कॉमन प्रॉब्लम आगे जाके आपको फेस करनी पड़ सकती है और इसको प्लीज़ नोट डाउन करें अपनी बुक के अंदर भी ये हमारे पास सिस्टम दो बॉक्सेज हैं दिस इज़ बॉक्स वन एंड दिस इज़ बॉक्स टू इनके दरमियान एक लाइन है जो अभी नज़र आ रही है लेकिन बाज़ात जब आप इस ड्राइंग को अब ये प्रॉब्लम पता नहीं चलता कि कब आ रही है आपको ये सर्टन टाइम पे स्टूडेंट्स कन्वे करते हैं यहाँ प्रॉब्लम कि सर ये यहाँ पे जो है वो लाइन शो ही नहीं हो रही यानी ऐसा लग रहा होता है जैसा ये एक ऑब्जेक्ट कम्बाइंड बन चुका है ये दोनों ऑब्जेक्ट एक बन चुके होते हैं अगर ये दस हैं तो बाजूत ऐसा भी होता है कि ये दस बॉक्सेस ऐसे लगता है कि इनके दरमियान वाली ये जो बाउंड्री वॉल है ये ख़त्म हो चुकी है इसको इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कि ये प्रॉब्लम आए ही नहीं अभी तो नहीं है आ सकती है इसके लिए भी जब हम हैच एडिट यूज़ कर रहे होते हैं एच ई -e जिसे हम कहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको सेलेक्ट करें और एच ई -e का बटन प्रेस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है ड्रा ऑर्डर की ड्रा ऑर्डर क्या बता रहे अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं एक हमारे पास लाइन है और एक हमारे पास कलर है ये हमारे पास जो बॉक्सेस हैं इसमें इस टाइम दो चीज़ें मौजूद हैं एक बॉक्स है उसकी लाइन आपको नजर आ रही है और एक हम उसमें रंग लगा रहे हैं जो हमारे पास अभी कोई भी ग्रीन हमने डार्क ग्रीन है अब हमने ये बताना है ड्रॉ आर्डर में कि हम किस चीज़ को पहले लाना चाह रहे हैं और किस चीज़ को बाद में हमेशा हमने प्रायोरिटी ये रखनी है अभी क्योंकि हम रंग के अंदर ये रंग का टेबल है कलर का टेबल है तो हम कलर को ड्रॉ ऑर्डर में बैक में रखेंगे कलर बैक में जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइन जो है वो पहले नज़र आ रही होगी तो ये हमने जब भी ग्रेडियंट के ऊपर वर्क करना है और अगर हमें ये प्रॉब्लम आए ये प्रॉब्लम हमेशा ग्रेडियंट में ही आती है कि लाइन्स गायब हो जाती हैं बात और आपको लगता है कि ये आपका सारा ऑब्जेक्ट एक बन चुका है तो हम ड्रॉ ऑर्डर में ग्रेडियंट को और हैच को कहेंगे सेंड टू बैक अब ये क्या करेगा अब ये जब तक जितनी भी आप ड्राइंग बनाते जाएं कलर हमेशा आपका पीछे रहेगा ड्रॉ ऑर्डर में सेकंड प्रायोरिटी में रहेगा और आपकी लाइन जो है वो पहले होगी तो इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेडियंट और हैच को जो है वो वर्क कर सकते हैं तो ये हमारे पास हम दोबारा अगर लास्ट में इसको कंक्लूड करें तो ये हमारे पास अभी बाय लेयर तो हमारे लेयर्स हमने बनाई नहीं है हम आगे जाकर कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे लेयर्स का तो ये हमारे पास सेम पिक पॉइंट्स हम करते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं हम कलर्स के अब हमने वर्क किया एंगल्स को आप चेंज करके खुद अब ये एंगल की आपने खुद यहाँ से नोट करके देखना है कि आप अगर एंगल्स को वेरिएट कैसे कर सकते हैं और ये हमारे पास हैच हैच के भी ये सामने आप नोट करें तो यही ऑप्शन जो हमने स्किप किए थे क्योंकि हमने इसको ग्रेडियंट में कवर किया है आप सेपरेट हैचेस भी लगा सकते हैं हैच की भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं आप इसको सेंड टू बैक कर सकते हैं ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं सो दिस इज़ हाउ आप एक हैच या ग्रेडियंट को मुख्तलिफ़ पैटर्न को शो करने के लिए मटीरियल को शो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन आटो कैट ग्रेडिट कमांड को हमने आटो कैट के अंदर इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल चेक किया है इसकी एग्जीक्यूशन देखी है इसके पर्पज़ देखे और हमने देखा है कि किस तरह ये हैच से डिफरेंट थी हैच में जब हमने देखा कि वो लाइन्स के ऊपर ब्रिक्स के ऊपर सॉलिड फिल नहीं कर रहा था बट ग्रेडिट ने हर चीज़ को सॉलिड फिल किया और एक सॉलिड कलर हमारे सामने जो है मैं रिफ़्लेक्ट हो रहा था कि किस तरह हम डिफरेंट कलर्स के साथ वर्क करते हुए ग्रेडेंट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं you <laughs>